आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव शिकमपुर पांडे पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 18 किलोमीटर दूर है। 2400 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान इस्लाम कुरैशी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान इस्लाम कुरैशी और सचिव सत्यम घोष के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के शिकमपुर पांडे ग्राम पंचायत में, जहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह की समस्याएं अभी भी यहाँ गाँव में मौजूद है और क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम यहाँ प्रधान जी से बातचीत करके आपको जानकारी देंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है, खत्म होने को है, अब तक के बीते कार्यक्रम में क्या क्या विकास कार्य काम कर पाए? देखिए साहब, ये बात सही है कि हमारा कार्यकाल समाप्त होने के प्रकार का ही है, लेकिन हमने जी मैंने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में अपने ग्राम शिकमपुर पांडे में लगभग 100% सारे रास्ते मेरे सही हो चुके हैं, लेकिन मेरा एक मजरा है उसमें लगभग अभी भी कच्चे रास्ते 40% कच्चे रास्ते मौजूद है, क्योंकि लगभग 6-7 महीने से हम लोग हाथ रखे बैठे हैं, हमारा सारा काम ठप पड़ा था। अब आकर के थोड़ा सा काम खुला है और अगर समय मिला तो मैं वादा करता हूँ कि वो बचे काम भी पूरे करूँगा। आवास मिले? हाँ, मैंने लगभग 65 आवास बनवाए और 200 से ऊपर शौचालय बनवाए हैं। ग्राम पंचायत जी जी ओडिया पोगरी में। क्या अभी भी कुछ परिवार हैं यहाँ ऐसे जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ, अभी भी कुछ आवास परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, उनकी मैंने मांग भी कर रखी है। परिवार लगभग मैंने 50-51 लोगों की सूची बनाकर भेज दी है और इसके बाद भी अगर कोई छूटा होगा तो उसका मैं प्रयास करूँगा। पेंशन वगैरह मिल रही है? हाँ, पेंशन भी बनवाई है, मैंने काफ़ी लोगों की पेंशनें बनवाई हैं और कुछ की और भी प्रयास जारी है। मैंने विधवा पेंशन बनवाई। जैसे जो योजनाएं लागू होती है गरीबों के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो ये सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से निकलती हैं, आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को इसका जो है पूरा मतलब जो है बेनिफिट मिल पाता है लोगों को? उजला गैस कनेक्शन तो लगभग सभी लोगों को मिल चुके हैं, इस योजना में तो सभी लोगों को लाभ मिला है, लेकिन जहाँ किसान सम्मान निधि का मामला है इसमें मेरे यहाँ लगभग अभी 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें के किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाई है। 80% लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। इसका कारण वो बहुत ही गलत है और पैसे का लोभी है वो। जब तक किसान उसके पास उधार नहीं पहुंचता और उसे पैसे नहीं देता तब तक उसकी जो है रिपोर्ट नहीं लगाता। तो इस बारे में कभी कोई शिकायत? मैंने शिकायत की है और अभी भी मैं शिकायत की मूड में हूँ, शिकायत करूँगा लेखपाल की। हमारा गांव जो है ज़्यादातर लेखपाल की कमी से मौजूद मतलब यह है। हालांकि इस समय में लगभग सभी किसानों की 2-2, 4-4 किस्तें, लगभग उन्हें 10-10 कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये तक मिल चुके हैं, तो आपके गांव में इतनी ज़्यादा लंबी मेरे गांव में जो है लगभग 20% लोगों को ही ये सुविधा मिल पाई है और 80% लोग अभी परेशान हैं जी, जिसकी शिकायत मैंने आज भी की है। अभी तक मतलब उस पर कोई अमल या कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, किसी भी किसान को अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है अभी छूटे हुए जी। तो इसके अलावा यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था बेहतरीन है, मेरे पास सफाई कर्मी एक सफाई कर्मी है, लेकिन गांव पंचायत मजरे जो गांव के दो हैं, काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है और दोनों मजरे बड़े हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से मजदूर लगा करके मैंने और सफाई कराई है और कराता हूँ। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या कार्य कर रहे हैं?
कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मैंने कार्यक्रम के अंतर्गत अपने स्कूल में शौचालय में टाइल्स और जो है टैंकी फिटिंग ये सारे कार्य मैंने किए हैं और स्कूल में जो टूट टूट थी वो सरकारी बिल्डिंग में यहाँ 12 घर पंचायत भवन ये बने हुए हैं गांव में। पंचायत भवन की प्रक्रिया मैंने फाइन बना के दी है वो अब तैयार हुआ और सामूहिक शौचालय जो है वो बन रहा है चल रहा है। 12 घर यही है यहाँ अभी तक। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र है। अस्पताल? आंगनबाड़ी केंद्र भी एक है, अस्पताल कोई नहीं है। स्वास्थ्य अस्पताल की कई बार मांग की है मैंने लेकिन अभी तक हमारी वो पूरी नहीं हो पाई है। ग्राम समाज की जगह है यहाँ पर? हाँ ग्राम समाज की जगह है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल है लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर। यहाँ कोई भी सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल कोई भी सुविधा यहाँ कुछ नहीं? तो 100 नंबर 102 नंबर या 108 नंबर की सुविधा मिल जाती है समय तक? हाँ वो भैया तो चली रही है, कोई बात नहीं, सरकार की स्कीम चल रही है, आने में मुझे भी टाइम लगता। आप अपने गांव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार है? देखिए मैं अपने गांव के लिए पहले तो यह है कि मेरे गांव में कुछ रास्ते मेरे मंजरे में बचे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे अगर टाइम मिले और मौका मिले तो मैं चाहूँगा सरकार इतना पैसा दे कि मैं उन रास्तों को पूरा करा दूँ। मैंने जितना विकास किया है अपने गाँव में और अपनी ग्राम पंचायत में, शायद मैं समझता हूँ 25 साल में भी इतना विकास नहीं हुआ होगा। और आपके देखने की चीज़ है, आप देखें मेरे गांव की जनता मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। आने वाले वक्त में क्या हो ये ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन जनता मुझसे मेरे कार्य की वजह से मुझसे खुश है। जैसे कि अब कोरोना महामारी इतनी फैली हुई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अनलॉक भी हो चुका है, लोगों की अपनी पुरानी गतिविधियाँ जो है वो लगभग लगभग पूरी तरह से अपने रूटीन में आने लगी हैं, तो उसको लेकर अपने ग्रामवासियों को जागरूकता समझाई? हाँ मैंने अपने ग्रामवासियों को समझाया है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, स्टेशन का जो है पूरा पूरा ख्याल रखा जाए और मास्क व साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इस बीते कार्यकाल में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ कई लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी भी लगभग 50 से 51 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। स्कूल में भी कार्यकाल के अंतर्गत काफी काम यहाँ करवाया गया है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो एक बड़ी जो यहाँ पर समस्या सामने आई है, जो कि सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लगभग ज्यादातर लोगों को मिल पाती हैं, ग्राम प्रधान की भी पूरी कोशिश रहती है लोगों को उनका पूरा पूरा लाभ दिलाने की, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जो जानकारी मिली है कि किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा केवल एक भ्रष्ट लेखपाल के चलते यहाँ नहीं मिल पा रहा है, ज्यादा जो है लंबी तादाद में यहाँ किसान वंचित है इस योजना से। इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, लेखपाल का भ्रष्टाचार रहा हो या कोई भी कार्रवाई जो यहाँ पर कारण रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसकी पूरी तरह से जांच हो करके और उस पर कोशिश की जाए कि जो वंचित किसान यहाँ रह गए हैं उन्हें उसका पूरा पूरा लाभ दिलाया जाए। इसके अलावा एक सामान्य समस्या जो कि स्वास्थ्य केंद्र की है, 15 किलोमीटर दूर यहाँ पर अस्पताल है, उससे पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है, जिसके लिए यहाँ कई बार मांग भी रखी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अशरफ अली के साथ मनाज रही।